पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दामों के विरोध में ब्यावरा से निकली साइकिल यात्रा राजधानी भोपाल पहुंची। इस साइकिल यात्रा का भोपाल पहुंचने पर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा और जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा समेत कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। देखिए रिपोर्ट। इस साइकिल यात्रा में राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रही मोना सुस्तानी शामिल हुई। लगभग 120 किलोमीटर की साइकिल यात्रा गुरुवार को ब्यावरा से रवाना हुई थी। राजधानी के रोशनपुरा चौराहे पर इस साइकिल यात्रा का स्वागत किया गया। इसके बाद स्वयं कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा इस साइकिल यात्रा में शामिल हुए, जो कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर जाकर समाप्त हुई। उद्देश्य यह है कि इस प्रदेश में बहुत पेट्रोल डीजल और गैस के भाव बढ़ गए हैं, आम जनता परेशान है, कोरोना का संकट है, लेकिन ये सरकार गूंगी और बहरी, शिवराज सिंह जी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार निश्चित रूप से गूंगी और बहरी है कि कच्चे तेल के दाम कम होने के बाद भी लगातार जनता पे टैक्स लगा लगा करके जनता से पैसा वसूल कर रही और जनता परेशान है। कोरोना के संकट में भी सरकार ने लोगों की कोई मदद नहीं की, लोग कई मर चुके हैं लेकिन इलाज भी नहीं कराया, और लोगों ने ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी की सबकी वजह से, महंगाई की वजह से लोगों की जाने गई, उनका विरोध करने के लिए आज हम लोग ये यात्रा निकाल के आए हैं। मोना सुस्तानी जी जो लोकसभा राजगढ़ की प्रत्याशी थी, शर्मा जी और उनके सभी साथियों के साथ में ब्यावरा से चलकर भोपाल साइकिल यात्रा से आए हैं। 3 दिन से वो चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डीजल और पेट्रोल के दाम रोजाना जब हम सुबह 6 बजे खड़े होते हैं तो डीजल भी बढ़ जाता है, पेट्रोल भी बढ़ जाता है। आज अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में डीजल 96 रुपये और पेट्रोल 107 रुपये का रेट हो गया। जब डीजल और पेट्रोल बढ़ता है तो देश में महंगाई बढ़ती है। आज महंगाई की ऐसी मार है कि आम जनता का, गरीब जनता का जीना मुश्किल हो गया है। इस दौरान साइकिल यात्रा में कोविड गाइडलाइन का पालन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News भोपाल।